जो ये टैक्स लगाया नहीं है, इसका विरोध करने के लिए आए हैं। लस्सी दूध इसके लिए हमने टैक्स लगाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि इसको कम करें। हमारे यहाँ इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, 45 साल में कभी भी नहीं थी। तो ये जो नव उदारीकरण की नीतियाँ हैं उनको और भी ज़्यादा बीजेपी सरकार अंधाधुंध ढंग से लागू कर रही है, लेकिन जिनको नहीं पता था उनका भ्रम अब टूट रहा है आस्ता आस्ता इनके बारे में। अभी हमारे हरियाणा में कहावत ये है कि एक रमलू था, उस रमलू ये जब तक जिंदा है मोदी जी लोग उस सड़कों पर आते रहेंगे। और विशेष तौर पे ये नॉर्थ इंडिया में तो गाय का एक बड़ा सवाल है, जिस जो गाय पहले दूध देती थी आजकल वो वोट ज्यादा देने लगी है। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है अब। इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं पे ही पड़ी है, क्योंकि 80-75% के आसपास तो हिंदू ही है जो सुसाइड कर रहा है, या फिर जिसकी फसलें खराब हो रही हैं, जो लगातार कर्जे में है, वो हिंदू, उसी हिंदू किसान की बात हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये हरियाणा से जो सभी किसान ये औरतें महिलाएं दिख रही हैं आपको, महिलाएं से लेकर यहाँ पर सारे जो प्रधान प्रमुख हैं वो सब मौजूद हैं, और इन महिलाओं की क्या कुछ मांग है अभी उन्हीं से जानते हैं। तो कहाँ से आई हम आप? हम जी नरवाना से आए हैं जी। नरवाना से आई हैं? हाँ, दिल्ली। हाँ दिल्ली आई हैं। जंतर मंतर पे जो ये टैक्स लगाया नहीं है, इसका विरोध करने के लिए आए हैं। लस्सी दूध इसके लिए हमने टैक्स लगाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि इसको कम करें। मशीनरी है जो इसके दूध के उत्पादन की, उस पर भी न 6% है। चलो जी, धन्यवाद जी। चलो और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं जो किसान मोर्चा को लेकर ही चल रहे हैं। सर सबसे पहले आप नाम बताइए, क्या नाम? इंद्रजीत सिंह, हरियाणा से जी। हरियाणा से आपको यहाँ पर आना पड़ा दिल्ली में, और किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर एक मंच लगाना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? देखो हमारी खेती की समस्या तो पहले से है, इसलिए 13 महीने हम बैठ के चले गए, तब 3 कानून वापस हुए, लेकिन जो कृषि का जो संकट है वो रुका नहीं, और भी गहरा हो रहा है। क्योंकि मुख्य उसमें ये है कि जो हम अनाज पैदा करते, फसल उगाते हैं, उसका उत्पादन की कीमत ज़्यादा है और उसकी आमदनी उतनी नहीं है। यही चीज़ पशुपालन पर लागू है। अब तक हरियाणा के किसान और भूमिहीन मजदूर भी, काफ़ी सारी महिलाएं दलित भी एक एक दो दो पशु रखते थे, और उससे ये है कि दूध बेच के गुजारा कर लेते थे। लेकिन जो कृषि का जो संकट है, उसी तरह से दूध में भी जो उत्पादन की कीमत है वो ज़्यादा है, और ऊपर से अब इन्होंने GST लगा दिया 5%। उसका नतीजा अब ये होगा कि हमारा जो दूध के जितने भी उत्पादन हैं वो तो पिट जाएंगे, और विदेशों के जो कॉरपोरेट सेक्टर का माल हमारी मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, तो वो GST वापस करवाने के लिए ये बहुत ही ख़राब कदम मोदी सरकार ने उठाया ऐसा करके। मतलब अच्छा, ये GST जो बढ़ाया गया है अनाज पर, खाने पीने की चीज़ों पर, दूध पर, पनीर पर, कहा जा रहा है यूक्रेन जैसे हालात पैदा ना हो, इसलिए पहले से ही मोदी सरकार ने GST के समाधान कर दिया है और ऐसे हालात नहीं बनने देंगे। यूक्रेन का भारत से क्या ताल्लुक है? यूक्रेन के हालात कोई GST से या दूध? श्रीलंका में जिस तरीके के हालात? हाँ श्रीलंका बोल सकते हो, तो श्रीलंका के हालात की तरफ अगर कोई परिस्थिति बढ़ रही है मान लो, तो उसके लिए कोई तो नीतियां जिम्मेवार होंगी उस तरफ बढ़ने के लिए। हमारे यहाँ इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, 45 साल में कभी भी नहीं थी। तो ये जो नव उदारीकरण की नीतियां हैं उनको और भी ज़्यादा बीजेपी सरकार अंधाधुंध ढंग से लागू कर रही है, तो अगर वो हालात तो उस तरीके के बनने का खतरा है, तो उसके लिए ये नीतियाँ और ये सरकार ही जिम्मेदार है। वो और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी GST लादने से, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उससे थोड़ा बचना है तो लोगों के हक में महंगाई को कम करो, बेरोजगारी को कम करो, लोगों की जेब में, गांव के ग्रामीण जनता की जेब में पैसे डालने जरूरी हैं,
ताकि उनकी खरीदने की ताकत बढ़ सके, तभी हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो सरकार को ही फायदा होगा क्या इन सबसे? सरकार क्या होती है? सरकार कॉरपोरेट को होगा, सरकार कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। तो जनता के, किसानों मजदूरों के हित और कॉरपोरेट के हित टकरा गए हैं, एक दूसरे के विपरीत हो गए, और सरकार कॉरपोरेट की तरफ खड़ी है, तो जो लोगों से वायदे किए थे उनसे बिल्कुल विपरीत जा रही है। गांव में जैसे हरियाणा में सब लोग जो है पशुपालन करते हैं, वहाँ पर गाय भैंस रखते हैं, क्या मतलब क्या कीमत है वहाँ दूध की, गाय की और भैंस के दूध की? अलग अलग कीमतें हैं, मतलब गाय के दूध की कम है, वो 30-35 रुपए भी हो सकती है, और भैंस की जो है वो 45-50 भी हो सकती है, वो अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोऑपरेटिव ठीक ढंग से नहीं चल रही। अगर कोऑपरेटिव ठीक ढंग से चल जाए तो पैदा करने वाला और जो उसको खपत करने वाला, मतलब जिसको उपभोक्ता कहते हैं हम, उन दोनों को फायदा हो सकता है अगर कोऑपरेटिव को चला जाए, जो हमारी मांग है ये है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमेशा से जो है मोदी सरकार फैसले ले लेती है, उसका परिणाम क्या होगा ये वो सोचती नहीं है? ऐसे ही काले कानून, तीन काले कानून आए थे जब लगातार सड़कों पर पूरे किसान भाई लोग बैठे थे। इस सरकार का और बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ये मानते ही नहीं। जितना मानना पड़ रहा है वो मजबूरी में मान रहे हैं। अच्छा। वो संविधान से खिलवाड़ करते हुए भी संकोच नहीं करते, इसलिए वो तानाशाही ढंग से फैसले लेने के आदत है इनकी, उनको तो दुरुस्त करना पड़ेगा, और जनता के आंदोलन से इनका दिमाग दुरुस्त होएगा। मतलब आदत बन गई है एक सत्ता में बैठी सरकार, आदत नहीं, इनकी फिलॉसफी है, इनकी सोच है, इनकी विचारधारा है। जो लोग जानते हैं, जागरूक, उनको तो पहले से पता है कि ये आरएसएस बीजेपी का यही है, इनका जो पूरा बुनियादी जो सोच है वो। लेकिन जिनको नहीं पता था उनका भ्रम अब टूट रहा है आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में, ये बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश श्रीवास्तव जी। दिनेश जी, अभी यहाँ पर ऐसा मंच लगाना पड़ा, फिर से किसान जो है फिर सड़कों पर आ गए। इससे पहले भी जो है किसान लगातार सड़कों पर थे, गाजी बॉर्डर पे आप हो, चाहे जितने भी बॉर्डर थे वो घेरा हो रखा था, फिर से आना पड़ा, क्या कुछ हो गया अभी फिर से? नहीं, अभी हमारे हरियाणा में कहावत ये है कि एक रमलू था, उस रमलू ये जब तक जिंदा है मोदी जी, लोग तो सड़कों पे आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कारण अभी इसने और पैदा करने हैं। कभी अग्निवीर का है, कभी जीएसटी का सवाल है, या फिर और बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं का, उन सब पे लोगों को आना ही पड़ेगा। कारण तो बहुत सारे हैं और ये कोई आखिरी बार भी नहीं है। अब दोबारा से हरियाणा में तो ये फसलों की बर्बादी के ऊपर 6-6 महीने से अभी भी लोग धरने पे बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अभी भी 6 महीने से धरने चले हुए हैं। तो अब ये जीएसटी को लेके लगातार दूध पनीर पर, दही पर जो है जीएसटी लग गई है 5%, खाने जैसी चीज़ें महंगी हो गई है, उसके लिए आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, अब जीएसटी का सवाल तो है ही, अकेला जीएसटी का भी नहीं है, उसके साथ दूध की जो कीमतें पहले से ही इतनी कम है उस पर MSP का सवाल भी है, उसके साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जुड़े उसका सवाल भी है, और विशेष तौर पे ये नॉर्थ इंडिया में तो गाय का एक बड़ा सवाल है, जिस जो गाय पहले दूध देती थी आजकल वो वोट ज़्यादा देने लगी है, उसको वोटों के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से किसानों की आमदनी बुरी तरह कम हो रही है। वो इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि एक तो वो जो मेले थे वो बंद कर दिए, गाय का ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर वो मुश्किल हो गया, गाय अभी आवारा घूम रही हैं, एक तो उनके बिकने से जो आमदनी होती थी वो ख़त्म हो गई, दूसरा अभी वो किसान की फसलें बर्बाद कर रही है, वो एक किस्म से दोहरी मार किसान के ऊपर है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जीएसटी के साथ साथ जो आज हमने एड्रेस किए हैं। सर, राष्ट्रीय हित में कर रही है सरकार, तो राष्ट्रीय हित में आपको भी जो है मान लेना चाहिए थोड़ा सा। बात तो ठीक है राष्ट्रीय हित में, लेकिन उस राष्ट्र में किसान रहते हैं ये भी सरकार को ही मानना पड़ेगा, और उन किसानों की स्थिति ये है कि 10 लाख आत्महत्याएं कर चुके हैं। अब
ये जो क्राइसिस बढ़ रहा है, चाहे वो दूध उत्पाद आयात करने का सवाल है या फिर मैं जैसे गाय का सवाल कह रहा था, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगातार फसलें बर्बाद हो रही हैं, उस राष्ट्र में आज उसकी भी जीडीपी लगभग 55% खेती के ऊपर निर्भर है। मेरे ख्याल में वो भी अच्छा खासा राष्ट्र है जिस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है अब। इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं पे ही पड़ी है क्योंकि 75% के आसपास तो हिंदू ही है जो सुसाइड कर रहा है या फिर जो जिसकी फसलें खराब हो रही हैं, जो लगातार कर्जे में है, वो हिंदू, उसी हिंदू किसान की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कुछ है, इतना सही निर्णय हमेशा सरकार लेती है लेकिन लोग जो है उनके खिलाफ सड़कों पे उतर आते हैं हर बार। सरकार का निर्णय तो सही ही होता है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सही निर्णय लोगों के खिलाफ रहता है, इसलिए लोगों को लड़ना पड़ता है। लोगों ये तो पूरा कार्यक्रम इसी के ऊपर आधारित था, कैसे वो खिलाफ था, कैसे जीएसटी का सवाल था या फिर खाद्य सुरक्षा का सवाल था या फिर फसलों की कीमत का सवाल था, एमएसपी का सवाल था दूध के ऊपर, वो तमाम सवाल इसके ऊपर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ लगातार यहाँ पर किसान मोर्चा जो खोले बैठे हैं, लगातार जिस तरीके से दूध पनीर जैसी चीज़ों पर जीएसटी लग चुका है 5%, आपको पता ही होगा किस तरीके से अनाज खाने पीने की चीज़ों पर 5% जीएसटी बढ़ चुका है, उसी के चलते ये हरियाणा के जितने भी किसान भाई थे और महिलाएं थी वो यहाँ पर लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से पशुपालन तो कर देते हैं, दूध का जो भाव नहीं है मगर जीएसटी इतना बढ़ जा रहा है, तो उसी के साथ जिस चलते इनको जो घाटा उठाना पड़ रहा है, लगातार किसान भाइयों की दोहरी मार पड़ रही है, उसी के चलते यहाँ पर इनका प्रदर्शन हो रहा है। और मगर ये देखिए आप, सरकार जब भी जो निर्णय लेती है क्या वो निर्णय वाकई में सोच समझ कर नहीं लेती है, क्योंकि उनके निर्णय जब भी लिए गए हैं तो उसके खिलाफ हमेशा लोग सड़कों पर उतरे हैं, किसान भाई हमेशा से सड़कों पर उतर जाते हैं, कभी छात्र सड़कों पर दिखते हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे आपकी ये अग्निपथ के लिए बच्चे हो, चाहे यूपीएससी के हो, एसएससी के बच्चे हो, चाहे लगातार किसानों की बात हो, तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से ये सभी सामने उतर कर रोडों पर प्रदर्शन करते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा चंद्रमंत्र।